हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग पहले ही काशीपुर से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि घर से निकलते वक्त मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो काशीपुर आकर डायरेक्ट स्टार्ट किया है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं काशीपुर। साथ में देखिए, मेरा दोस्त आ चुका है, तो उसको कुछ सामान लेना था, तो अपना सामान लेगा यहाँ पर चाउमीन, क्योंकि वो ठेला लगाता है। तो शाम को आपको दिखाएँगे कि ठेला कहाँ लगाता है और क्या क्या उसमें रहता है आइटम। और फिलहाल अभी स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग यहीं से, काशीपुर से। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सब बड़ा बड़ा दे तो गाइस, यही वो दुकान है जिसमें से तापस अपना दुकान का राशन वगैरह सब लेता है। देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। तो गाइस, शाम का टाइम है और निकल गए हैं बाहर। तो आज आपको दिखाने वाला थे कि तापस जो है वो ठेला लगाता है। तो जैसा कि बताया, मैंने सुबह सामान लेने गया था वो, तो अभी देख सकते हैं अभी जहाँ खड़े हैं उसी के ठेले के नज़दीक है। तो ये देखिए, तापस खड़ा रहा है ये यहाँ पे, और ये रहा इसका ठेला। तो इसी ठेले में बहुत सारे सामान मिलती है, जैसे कि वेजिटेबल चॉप हो गया, फुचका हो गया, चाउमीन हो गया। तो दिखाते हैं आपको, जैसे कि अभी देखिए फुचका बना रहा है, और ये तापस का भाई है, तो फुचका खिला रहा है। देखिए, एक्चुअली में दस रुपये का फुचका वापस दीजिए। आठ पीस फुचका बताइए, दस रुपये में जहाँ जहाँ चार मिल रहा है, पाँच मिल रहा है, ये आठ दे रहा है। तो ये देखिए गाइस, घुघनी किस टाइप का, देखिए मस्त बगना है घुघनी एकदम। इतना टेस्ट है ना कि खाने वाले को मुंह में पानी आता देख करके। और यहाँ देख पा रहे हैं फुचका वगैरह है, और ये वेजिटेबल चॉप के लिए आइटम बना गया है, और यहाँ चाउमीन है, और ये रहा कढ़ाई जिसमें फ्राई होता है। तो इस टाइप का है ठेला, और ये रहा
बदमाश लड़का। ये अभी डबल चॉप अभी सिम पड़ेगा घूमने बाबा। इन तो रन मारी रन ना कितने कहाँ है ये तो मिर्गी मिर्गी चिला सोया मतलब चिला ला रहे हैं ये घूमने मिर्गी चिला सोया तो बोले चिला तो ताज मिर्गी थी ऊपर से थोड़ा सलाद सलिया थे नंका दिन नंका दिन नंका दिन वैसे भैया ये चाट मसाला सॉस और ये चम्मच नहीं चम्मच अरे चम्मच देसी जुगाड़ मसाला जाएगा आपका सोया सॉस टमाटो कच्चा ऊपर से जाएगा आपका सॉस तो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं और जैसा कि देखा अपने ब्लॉग में तापस ने जो ठेला लगाया है वो बहुत ही मेहनत और बहुत ही परिश्रम करता है तो उसका और से ज़्यादा चले यही मैं दुआ करूँगा। तो बहुत ही टेस्टी बनाता है बहुत ही लाजवाब टेस्ट है ठेला वाली छोटा है लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइज तो उसे और आगे बढ़ना चाहिए जैसा कि वो बनाता है उसमें वो काबिलियत है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है तो मैं यही कोशिश करूँ कि वो आगे और बढ़े उसका ठेला से होते हुए उसको रेस्टोरेंट खुल जाए यही मैं चाहूँगा। तो खैर ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा नहीं लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग पे।